खबर जयपुर से, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जी हां, हवा महल जोन पश्चिम में सीलिंग की कार्रवाई की है और निगम की अनुमति के बिना किया गया ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 मंजिल का निर्माण। सीआई राकेश यादव के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई, यूडी टैक्स जमा नहीं कराने को लेकर भी कार्रवाई हुई है। रायसर प्लाजा में 2 दुकानों को साथ में सील कर लिया गया है। जी आपको बता दें कि नगर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीआई राकेश यादव के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यूडी टैक्स नहीं जमा कराने पर कार्रवाई हुई है। ये रायसर प्लाजा में भी 2 दुकानों को सील किया गया। अवैध निर्माण के खिलाफ अब नगर निगम सख्त होता दिखाई दे रहा है। हवा महल जोन पश्चिम में सीलिंग की कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि निगम की अनुमति के बिना ही ग्राउंड फ्लोर के साथ 2 मंजिल का निर्माण किया गया। सीआई राकेश यादव के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अब नगर निगम सख्त होता दिखाई दे रहा है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दिनेश, बताएं कि क्या कुछ है पूरा मामला। देखिए लविना, हवा में पश्चिम जोन का मामला है और जो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी उस पर अवैध रूप से G+4-2 बिल्डिंग का निर्माण है वो अवैध रूप से किया गया था। नगर निगम की कोई परमिशन इसके निर्माण में नहीं ली गई थी और इसके लिए जो शिकायत प्राप्त हुई थी निगम को और उसके आधार पर निगम ने यह कार्रवाई की है और आज इस जो बिल्डिंग थी अवैध रूप से जिसका निर्माण हुआ था उसको सील किया गया है। साथ ही रायसर प्लाजा में यूडी टैक्स के खिलाफ भी जो निगम ने एक अभियान चला रखा है, नगरीय विकास कर एकत्रित करने के लिए जो टारगेट रखा गया है उस टारगेट के तहत आज भी 2 बिल्डिंगों को सील किया गया है, 2 दुकानों को सील किया गया है। जी लवेना। जी दिनेश, ये बताएं कि इसके बाद क्या कहीं और जगहों पर प्रभावी कार्रवाई की संभावना है। दिनेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इसके बाद ये बताएं कि क्या कहीं और इलाकों पर भी प्रभावी कार्रवाई की संभावना है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।